हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है CSIR पॉइंट प्रयागराज में। आज हम लोग यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूबीक्यूटिन डिपेंडेंट प्रोटीलाइसिस। सिंपल समझिए, प्रोटीलाइसिस का मतलब है कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन। अब प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है, इसके पहले हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस और अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है फोल्डिंग्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि यूबिक जो डिग्रेडेशन है प्रोटीन का वो कहाँ होता है। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली उसका जो लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कुछ प्रोटीन्स का ज़्यादा टर्म के लिए होता है, जैसे आप हीमोग्लोबिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली 110-120 दिन के लिए होता है। तो कुछ टाइम से, ड्यूरेशन टाइम से, कुछ सेकेंड्स से लेकर और जो है घंटों तक, दिनों तक आपका प्रोटीन बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब बेसिक समस्या कि प्रोटीन डिग्रेडेशन जो कम टाइम के लिए हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दो तीन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो होता है, ये मान के चलिए कि हमारा जो प्रोटीन है वो मिसफोल्डेड हुआ है। उसमें क्या हुआ है, मिसफोल्डिंग हुआ है। दूसरा, जैसे हम सेल साइकिल्स पढ़ते हैं, सेल साइकिल में साइक्लिन आता है। साइक्लिन्स जो होते हैं ये बेसिकली ड्यूरेशन, जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे CDK है, उसके साथ ई लगता है, डी, तो ये सारे क्या होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं और एक ड्यूरेशन के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका डिग्रेडेशन करना हमको, इनकी डिग्रेडेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है यानी प्रोटीलॉइडिक सिस्टम है, वो बेसिकली दो तरीके का होता है यूकैरियोटिक्स में। एक हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जनरली डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और जो दूसरा सिस्टम है जो बेसिकली प्रोटीन के लाइसिस के लिए यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोसोम्स। ये जो प्रोटियोसोम्स हैं, ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है। दोनों सिस्टम का मतलब प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो आखिर जो प्रोटियोसोम्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो प्रोटियोसोम्स होता है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है। यानी जो न्यूक्लियस के प्रोटीन है वहाँ भी डिग्रेडेशन होता है, और जो हमारे साइटोसोल में प्रोटीन्स हैं वहाँ भी डिग्रेडेशन होता है, और यहाँ पर प्रोटीलोसिस प्रेजेंट होता है। प्रोटीलोसिस कैसा होता है, प्रोटियोसोम्स कैसा होता है, आपका मल्टी सब यूनिट होता है। मल्टी सब यूनिट मतलब एक से ज़्यादा इसमें सब यूनिट होता है प्रोटीन्स का। दूसरा, इनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। बेसिकली इस तरह का शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। इस पर एक लीड लगी होती है इस तरह से दोनों छोर पे, ठीक है। और जो इसका सब यूनिट होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, पूरे प्रोटियोसोम को 26 एस होता है। और 26 जो एस होता है इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक 20S प्रोटियोसोम्स और दूसरा 90S कैप्स। तो ये जो लीड की हम बात कर रहे थे इसको हम लोग बोलते हैं 19S कैप। ये दोनों छोर पर होता है, दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होता है, और बीच में जो होता है इसको बोलते हैं 20S सब यूनिट। तो जो हमारा प्रोटियोसोम होता है, ये बात समझ में आ गई, प्रोटियोसोम 26S का होता है, उसमें दो पार्टिसिपेट होते हैं, 20S प्रोटियोसोम और 90S कैप्स। तो एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला, 20S प्रोटियोसोम्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि यह क्या होता है। जो 20S प्रोटियोसोम्स होता है वो क्या होता है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा सब यूनिट से। और जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं वो दोनों जो है 7 जीन से क्या होते हैं, इनकोडेड होते हैं, यानी 7 सब यूनिट्स मिलकर बनते हैं, ठीक है। और वो जो 7 सब यूनिट्स हैं वो 4 लेयर्स में इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी अल्फा ऊपर 7 सब यूनिट्स, फिर बीटा 7 सब यूनिट्स, फिर बीटा 7 सब यूनिट्स, और लास्ट में अल्फा 7 सब यूनिट्स, ठीक है। और टोटल अगर देखा जाए तो कितने होंगे, 28 सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो अल्फा, बीटा, बीटा और अल्फा, तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, और ये टोटल क्या कहलाते हैं, 20S
सब यूनिट, क्या कहलाता है 20s सब यूनिट। अगर अब यहां पे देखें तो 20s सब यूनिट ये है, यानी ये अल्फा 7, ये बीटा 7, बीटा 7 एंड अल्फा 7, ठीक है। अब 90s जैसे मैंने बताया था दो होता है, तो एक ऊपर लेट लग जाएगा 90s का और एक नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो है ये 26x प्रोटियोसोम बना लेते हैं। अब जो ये प्रोटियोसोम्स होता है ये कैसा होता है, एटीपी डिपेंडेंट होता है, यानी जब भी हम यहाँ से मान लो प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन लीड ये खुलेगा, ओपन होगा, अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ डिग्रेडेशन होगा और ये बाहर की तरफ निकलेगा अमीनो एसिड के फॉर्म में। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लगती है, यानी एटीपी डिपेंडेंट होता है। अब 19s पार्टिकल्स के बारे में लोग समझते हैं क्या होता है, ये 19 इंडिविजुअल्स प्रोटीन्स होते हैं। जैसे वहाँ लोग पढ़े थे 7 अल्फा सब यूनिट एक जैसा होता है, अल्फा 7 मतलब 7 सब यूनिट एक जैसा है अल्फा फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या है सारा का सारा जो सब यूनिट्स हैं 19 वो क्या है, वो अलग अलग सब यूनिट्स हैं। दूसरा ये बाइंड्स किसके साथ करता है, पॉली यूबिक्विटिन प्रोटीन्स के साथ, यानी जो प्रोटीन्स पे हम लोग जिसका डिग्रेडेशन कराना है वहां पे क्या लगेगा, लगातार यूबिक्विटिन जुड़ता है, ठीक है। तो ये सारा क्या करता है, जो 19s है वही जो है बाइंड करता है बेसिकली पॉली सब यूनिट प्रोटीन से, क्योंकि वो लीड है, लीड पर है, वो बाइंड करता है और फिर उसके बाद वो अंदर के जाता है 20s सब यूनिट में। ये इंश्योर करता है कि जो यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन है उन्हीं का केवल डिग्रेडेशन हो, ऐसा नहीं कि कोई सा भी प्रोटीन उसके साथ अटैच किया तो उसका डिग्रेडेशन कर देगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है वो कैसे टैग होना चाहिए, वो यूबिक्विटिन से टैग्ड होना चाहिए, और उसी को क्या करता है, ये रिकग्नाइज करता है और उसके बाद एंट्री देता है अंदर की तरफ और फिर डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। ओके, ये क्या करता है, जो मॉलिक्यूल है यानी जो हमारा प्रोटीन है उसको बीच बीच में से ये कट करना शुरू करता है, यानी जो 20s में ये जब भेजेगा उसके पहले ही ये क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देगा प्रोटीन्स को। अब यूबिक्विटिन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये बेसिकली जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेल साइकिल जो प्रोटीन्स है उनका डिग्रेडेशन में, मिसफोल्डेड प्रोटीन है उनके डिग्रेडेशन में, और प्रोटीन्स जो जिनका हाफ लाइफ खत्म हो गया है उनके डिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और जो यूबिक्विटिन होता है ये 76 अमीनो एसिड का जो कि स्मॉल प्रोटीन्स होता है उसके साथ मिलके बना होता है, ये कंजर्व रीजन होता है, बेसिकली कंजर्व रीजन होता है 76 अमीनो एसिड का, उसके साथ ये बनता है, ठीक है। ये क्या होता है यूबिक्विटिन, ये इसमें 3 क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। वो 3 क्लासेस ऑफ प्रोटीन क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं पहला क्या है, ईवन प्रोटीन। ईवन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली जो सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल है यानी ईवन का जो सी टर्मिनल है प्रोटीन्स का, उसके साथ क्या करता है, ये थायोस्टर बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। जैसे एक यूबिक्विटिन है ये मान लो सिंपल, उसके साथ ईवन अगर जुड़ता है तो उसके सी टर्मिनल पे, ठीक है, ये सल्फर ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो थायोएस्टर बॉन्ड यहाँ बनाता है ये, ठीक है, ईवन। और ईवन को हमेशा याद रखना है क्या बोलते हैं हम लोग, यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। ईवन जो होता है ये किससे रिप्लेस होता है आपका, E2 से, और E2 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटिन कंजुगेटिंग एंजाइम। इसका ये क्या काम करता है, ये बेसिकली क्या करता है, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। E2 जो होता है एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स विद एन E3 एंजाइम, यानी जो E2 होता है ये हमेशा E3 के साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, और E3 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटिन लाइगेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, E3 लाइगेज। अब यहाँ अगर हम पूरी प्रोसेस देखें तो क्या होता है, यहाँ पे E1 है जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। E1 यूबिक्विटिन के साथ जुड़ता है, ठीक है, किसके टर्मिनल, सी टर्मिनल पे जुड़ेगा,
ठीक, सी टर्मिनल जुड़ेगा, यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, जैसे हम लोग देखे हैं कि एटीपी डिपेंडेंट है, और ये क्या बना लेगा, थायोएस्टर बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो थायोएस्टर बॉन्ड है E1 का, E1 किससे रिप्लेस हो रहा है, E2 से। तो E2 क्या है, लाइगेज के साथ बाइंड कर जाता है, और E1S के साथ निकल जाता है सल्फर के साथ, E2 के साथ यहाँ पे हमारा यूबीक्यूटिन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है, अब क्या होगा, जो एक्टिवेटेड प्रोटीन है, मतलब जिस प्रोटीन को हमको डिग्रेड करना है, वो भी क्या होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो वो एक्टिवेट कैसे होता है, उसके लिए क्या है, एक डिग्रेडेशन सिग्नल होता है जो एन टर्मिनल पर आता है, मतलब ढेर सारे सिग्नल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए आप कि जो प्रोटीन हमको डिग्रेड करना है, वो उसका जो है एक एंड क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि इस प्रोटीन को क्या करना है, टारगेट करना है किसके लिए, डिग्रेडेशन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए हमको टारगेट करना है। तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाता है, जैसा भी हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर द एक्टिवेटेड यूबीक्यूटीन फ्रॉम E2 टू लाइसिन अमीनो एसिड ऑफ द टारगेट प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में जहाँ भी लाइसिन होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो हमारा जैसे नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखे थे पिछले स्लाइड में E2, वो उसके साथ क्या करेगा, यूबीक्यूटीन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे यूबीक्यूटीन टैग्ड हो गए, और ये जो टैगिंग है ये क्या बना रहा है, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे हैं। और ये जो प्रोटीन्स जो यूबीक्यूटीन के साथ क्या है, टैग्ड हुए हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, डिग्रेडेशन में चले जाते हैं। डिग्रेडेशन में क्या होता है, सिंपल जो हमारा ट्वेंटी एस प्रोटीन था, जो हमारा 20S प्रोटीन था, ठीक है, उसके पास जो लीड लगा हुआ था, उस लीड के सहारे ये क्या करते हैं, ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। पहले तो उसको थोड़ा छोटा पार्ट किया जाता है 19S के द्वारा, और अंदर जाते ही 20S में ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग डिग्रेड करके अमीनो एसिड के फॉर्म में बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूबीक्यूटीन है वो क्या करता है, टैग करता है, और टैग के बाद प्रोटीन को टैग करता है, और टैग करने के बाद उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट करता है। तो अब जो जिस प्रोटीन का हमको डिग्रेडेशन कराना है, उसका जो एक्टिवेशन पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो टारगेटेड अ प्रोटीन है, ठीक है, वो टारगेटेड जो प्रोटीन है, सिग्नल प्रोटीन, ये क्या सिग्नल्स होते हैं और ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, और जो हमारा सेल साइकिल है या जो मिसफोल्डिंग जो प्रोटीन्स हैं उनका डिग्रेडेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, सेकंड पार्ट में। थैंक यू।